नमस्कार, मैं नीता राजौरिया, प्रवक्ता सीडीडीएम, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक बीकानेर। टॉपिक है टू पीस स्लीव। इस स्लीव का यूज कोट और शेरवानी में किया जाता है। ये जेंट्स परिधान होते हैं, फॉर्मल वियर की कैटेगरी में आते हैं, कीमती परिधान होते हैं। इसमें कटिंग, स्टिचिंग, फिनिशिंग, फिटिंग सभी का विशेष ध्यान रखा जाता है। टू पीस स्लीव हमारी फिटिंग अच्छी देती है, इसलिए कोट और शेरवानी वगैरह जितने भी फॉर्मल वियर्स होते हैं उनमें इस फिटिंग के उत्तम फिटिंग के लिए टू पीस स्लीव का प्रयोग किया जाता है। टू पीस स्लीव प्लेन स्लीव से डिफरेंट होती है। प्लेन स्लीव वन पीस में तैयार की जाती है। इसका बेसिक फॉर्मेट जब स्टार्ट करते हैं तो वो प्लेन पीस प्लेन स्लीव की तरह ही होता है, लेकिन इसमें प्लेन स्लीव को टू पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। फ्रंट को कुछ छोटा करके और बैक को बढ़ा के इसमें दो पीस क्रिएट किया जाता है और फिटिंग के लिए इसको तैयार किया जाता है। फिटिंग इसकी मुख्यतः एल्बो ये वाली स्लीव के ऊपर वाली साइड में देने के लिए इसमें कर्व शेप तैयार की जाती है। कैसे इस स्लीव को तैयार करते हैं इसका थोड़ा इंस्ट्रक्शन समझते हैं। मेजरमेंट्स जो आपके सामने हैं वो मीडियम साइज के मेजरमेंट्स हैं। फुल स्लीव की जो लेंथ है इसमें 62 सेंटीमीटर है। चेस्ट साइज है इसका 92 सेंटीमीटर और स्केल जो यूज किया गया है वो हाफ सेंटीमीटर है। ये स्केल जो हमने हाफ सेंटीमीटर यूज़ किया है, जब इसको ड्राफ्ट हम एक्चुअल में बनाएंगे तो ये जस्ट इसके जो मेजरमेंट है वो डबल हो जाएंगे। स्टार्टिंग इसकी बेसिक स्लीव ब्लॉक की तरह ही बनाई गई है कि फर्स्ट सबसे पहले हमने इसका फुल लेंथ की मार्किंग की है। उसके बाद हमने इसकी स्लीव विड्थ के लिए 1/4 चेस्ट मेजरमेंट लिया। इसी तरह से हमने एक पूरा रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया। अब इसके आर्म साइज की डेप्थ तैयार करने के लिए हमने जो कि बेसिक स्लीव में करते हैं 1/12 चेस्ट प्लस 2.5 सेंटीमीटर मेजरमेंट लिया। इतना बनाने के बाद हम इस पूरी स्लीव को हाफ पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो कि हमारा एल्बो पॉइंट होता है। मिड करने पे हमें एल्बो जो लाइन है वो हमको मिल जाती है। अब इसमें जो चेंज करने होते हैं वो हम इस प्रकार करते हैं। इसकी स्लीव की जो विड्थ है उसको हम हाफ में डिवाइड करते हैं, जो 4 पॉइंट में दिखाई दे रहा है। इस 4 पॉइंट को हम 5 सेंटीमीटर ऊपर इंक्रीज करते हैं। इसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट 6 क्रिएट किया जाता है, वो 6.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे लगाया जाता है। इस तरह से ये हमारी टॉप आर्म की शेप क्रिएट होना शुरू हो जाती है। अब 0 to 12 जो पॉइंट यहाँ दिखाई दे रहा है उसकी इस शेप को क्रिएट करने के लिए हम इसको इनसाइड 4 सेंटीमीटर लेते हैं और इधर भी हमने सब इसके बॉटम का मेजरमेंट लेने के लिए जो कि हमारा बेसिक मेजरमेंट होता है फॉर्मूले की तरह लेते हैं 1/6 चेस्ट प्लस 1.5 सेंटीमीटर, लगभग 17 सेंटीमीटर के करीब ही हमारा मेजरमेंट आता है। इस तरह से हमारा ये वन साइड का पूरा ड्राफ्ट तैयार हो जाता है। इन साइड के लिए हम फिर इस जो आपकी ये बेसिक लाइन स्लीव विड्थ की दिखाई दे रही है उसमें 2 सेंटीमीटर हम डाउनवर्ड करके और इसको 4 सेंटीमीटर इन साइड करते हैं। इस तरह से हमको एक नेक्स्ट पॉइंट मिल जाता है 14। अब 16 पॉइंट के लिए हम 3/8 पॉइंट से हम इसको 16 पॉइंट तक जाने के लिए फिर इसमें 4 सेंटीमीटर हम इसमें डिस्टेंस देते हैं और हमको ये 16 पॉइंट मिलता है। उस इस पूरी स्लीव में जो हम देख रहे हैं कि इसमें फ्रंट जो अपर आर्म अंडर आर्म है उसको छोटा किया गया है और बैक पोर्शन को बढ़ाया गया है। तो ये जो लगभग यहाँ से 14 to 17 ये जो मेजर गैप दिखाई दे रहा है ये हमारा 8 सेंटीमीटर के करीब है, 8 सेंटीमीटर है जो सिलने के बाद जब ये टर्न होगा तो ये फ्रंट में आ जाएगा। इस तरह से स्लीव के हम दो पार्ट देखते हैं। बनने के बाद ये स्लीव हमको इस तरह के पैटर्न में दिखाई देती है और इसको एल्बो पॉइंट को मिलाते हुए हम इस स्लीव को स्टिच कर देते हैं। इस स्लीव क्योंकि ये गारमेंट लाइनिंग के साथ और इंटरलाइनिंग के साथ बनाए जाते हैं तो इसमें जब ये स्लीव को तैयार किया जाता है तो यहाँ पर पेपर बुकरम का इस्तेमाल किया जाता है और इसके कफ की साइड में भी पेपर बुकरम का इस्तेमाल करके लाइनिंग के साथ इसको बनाया जाता है। पॉइंट्स सारे इसमें एक को एक क्लियर दिए गए हैं। बच्चे इसको देख के आराम से इस स्लीव को क्रिएट कर सकते हैं और अपना काम आसानी से कर सकते हैं। इस स्लीव को जैसे अपने को पता है कि कोट और शेरवानी और ड्रेसिंग गाउन और जैकेट्स वगैरह में यूज़ होती है। फैब्रिक जो इस स्लीव के
जिन गारमेंट्स में जो स्लीव यूज होती है वो कोट वगैरह जो ड्रेसिंग गाउन्स होते हैं वो किस फैब्रिक से तैयार किए जाते हैं? अधिकतर हम देखते हैं कि वुलन्स होते हैं, टेरी वुल होते हैं, और शूटिंग शटिंग के फैब्रिक से इसको तैयार किया जाता है। लाइनिंग इसमें कौन सी यूज होती है? सिल्क सैटिन वगैरह की लाइनिंग इसमें यूज होती है ताकि बॉडी के लिए कंफर्टेबल रहे। और इंटर लाइनिंग में हम इसमें बुकरमी और टैटरॉन का यूज करते हैं। टू पीस स्लीव एक उत्तम फिटिंग के लिए बनाई जाती है जेंट्स गारमेंट बहुत में, जो कि ये गारमेंट्स व्यक्ति विशेष के नाप के आधार पर बनाए जाते हैं, उसकी शेप और उसकी बॉडी की शेप और उसकी फिटिंग के आधार पर बनाए जाते हैं। तो ये टू पीस स्लीव हमारे लिए बहुत लाभदायक होती है। आशा है कि आप इसको ड्राफ्टिंग को आसानी से समझ गए होंगे, सारे पॉइंट्स में क्लियर हैं। आप इसको आराम से देख के भी बना सकते हैं, और जिस तरह से मैंने बताया कि कुछ ही मेजरमेंट्स हमने इसको चेंज किए हैं, बाकी ये बेसिक स्लीव का ही फॉर्मेट है। इस फ्रंट जो पार्ट है आपका अंडर आर्म कहलाता है, और जो बैक पार्ट है आपका अपर आर्म वाला पार्ट कहलाता है। इसमें ये फाइव पॉइंट जो दिखाई दे रहा है अपने को, ये सेंटर जॉइनिंग पार्ट है। जब ये स्लीव बनती है तो सबसे पहले हम इसके शोल्डर के मिड पॉइंट पे आके इसको जॉइन करना शुरू करते हैं, ताकि पूरी शेप हमको बिल्कुल आराम से एकदम फिनिश्ड उसमें और करेक्ट मिलती है। आशा है कि आप सभी इसको समझ गए होंगे, और हम इसको प्रैक्टिकल में आसानी से किस तरह से यूज़ करेंगे और कितनी आसानी हमें इसको काम करते समय होगी। ये लेक्चर आपके लिए कितना बेनिफिशियल है उस समय आपको आभास हो जाएगा। धन्यवाद।